हेलो बच्चों बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एज अ स्टूडेंट आपको करने ही करने हैं। यानी कि अगर आपका टारगेट है 95+ लेकर आने का अकाउंटेंसी में, तो इन टॉपिक्स को आप छोड़ ही नहीं सकते। इस वीडियो में मैंने सारे ही चैप्टर्स के उन टॉपिक्स को मेंशन करा है और आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करा है, जो आमतौर पर या तो बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं या जिस पर ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा फोकस नहीं करते। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने फंडामेंटल्स चैप्टर्स में। फंडामेंटल्स चैप्टर के अंदर बच्चों जो कैलकुलेशन पोर्शन है, जिसमें इंट्रोडक्शन के अंदर आप IOC, IOD, सैलरी, कमीशन ये सब निकालते हैं, वो हमारे लिए बेसिक्स है। देन उसके बाद आप PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट बनाते हो, वो सब चीजें भी हम क्वेश्चन के अंदर कर लेते हैं, सिंपल है। अब जिस पर आपको इंपॉर्टेंटली फोकस करना है वो है एक टॉपिक, जब अप्रोप्रिएशन हमारे गिवन प्रॉफिट से या अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर हमेशा आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी रूप में वो डाल सकता है। तो इस चीज को हमेशा माइंड में लेकर चलना कि अगर हमारे अप्रोप्रिएशंस ज्यादा हो गए और अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है, तो फिर हमें उन अवेलेबल प्रॉफिट्स को रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बांटना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट को उन्होंने कवर करा है सैंपल पेपर क्वेश्चन में भी किसी रूप में, तो ये पॉइंट किसी भी तरह क्वेश्चन में आ सकता है। इसी तरह एक और दूसरा पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट। अब खाली पास्ट एडजस्टमेंट तो सब बच्चे करते ही हैं, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर ही एक गारंटी का पॉइंट भी होता है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको भी वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी का कॉन्सेप्ट भी लगा होगा। तो पहले चैप्टर के अंदर ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको कवर जरूर करने, क्योंकि बाकी चीजें तो हम पढ़ लेते हैं या सिंपल है वो करते ही करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक पॉइंट इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जरूर करके रखनी है। दूसरा चैप्टर आपका गुडविल। अब गुडविल का चैप्टर देखो सिंपल है, सारे फॉर्मूले बेसिक हैं, सबको याद है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन आपसे ट्रिकी वे में पूछ सकता है, वो ये कि कई बार क्वेश्चन गुडविल दे देता है, आपको एसेट दे देगा, लाइबिलिटी दे देगा, सारी चीजें दे देगा, और हो सकता है बोलेगा कि चलो रेट ऑफ रिटर्न निकालो। यानी कि एक कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर वो आपसे कोई इंटरनल टर्म या इंटरनल आइटम पूछ सकता है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपसे गुडविल ही कैलकुलेट करवाएगा, तो आपको थोड़ी सी इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि गुडविल अगर दे रखी है और कोई अंदर का आइटम पूछा है तो हम वो भी निकाल सके। तो गुडविल के चैप्टर में आपके लिए बस ये चीज का इंपॉर्टेंस है। तीसरा आपका चैप्टर होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है, आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो, आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आ गया, जितने भी रिजर्व्स यानी चॉकलेट्स हैं वो सिंपल है, आपको ट्रीटमेंट पता है, जितने भी फिक्टिशियस एसेट कूड़े हैं वो सिंपल है, आपको ट्रीटमेंट पता है, रिवैल्युएशन बन गया, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, वो सब बातें तो सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसके अंदर एक ही वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछता है, वो ये जिसको कॉम्प्रिहेंसिव या मिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं, कि आपको रिजर्व के आइटम्स भी दे रखे होंगे और साथ ही साथ लॉसेस के आइटम्स भी दे रखे होंगे, और कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन कह देगा कि पास सिंगल जर्नल एंट्री। तो बस आपको उसी की प्रैक्टिस करके थोड़ा रखनी है कि रिजर्व्स भी होंगे लॉसेस भी होंगे तो कैसे आपको करना है। तो उसमें आपको नेट इफेक्ट निकालना है, अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव नेट इफेक्ट है तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब आता है इसके बाद आपका अगला चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो बहुत है जो बेसिक सिंपल भी है, नया रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, गुडविल के अलग अलग ट्रीटमेंट्स, फिर कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। लेकिन इसमें दो चीजों पर जरूर फोकस करके जाना, एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाएगा यानी PFG नहीं लाएगा, और साथ ही साथ कई बार कोई पुराना पार्टनर ऐसा होगा जो गेन कर लेगा, यानी वन पार्टनर बिकम्स गेनिंग पार्टनर। तो उस कॉम्प्लिकेशंस को आप अच्छे से एक बार जरूर करके जाना कॉन्सेप्चुअली। इसी तरह दूसरी चीज जो बहुत बच्चे इग्नोर मारते हैं, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके मान लो आपने स्टेप्स याद रख रखे हैं, बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पर इसके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे तीन नंबर वाले आते हैं जिसमें एक पैराग्राफ होता है और हो गई वो सिर्फ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, वो बच्चे छोड़ते हैं, बहुत बच्चे छोड़ते हैं, फिर उसमें मार्क्स कटते हैं, वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको जरूर करना कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो छोटे पोर्शन वाले होते हैं, तीन नंबर वाले क्वेश्चन, वो जरूर करने, बाकी चीजें तो हम कर ही लेते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट चैप्टर में पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तो बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते, और इसके जितने क्वेश्चन हो सके जरूर प्रैक्टिस करके जाना। फिर एक टॉपिक है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको बुक में दे रखा है, हो सकता है कई बच्चों ने शायद देखा भी ना हो,
बट एक बार इस पर नजर जरूर मार लेना, मैंने अपनी वीडियो में इसको भी कवर करा है, तो अगर आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज तो सेम रिपीटेटिव है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चार अलग अलग बड़े केसेस हैं इसमें, चारों अलग अलग बड़े केसेस को बच्चे बड़े क्वेश्चन में तो करते हैं, पर इसका छोटा तीन नंबरी क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली यही पूछेगा उसको कई बार इग्नोर करते हैं, तो आप इस पर जरूर फोकस करना, इसकी जरूर प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका डेथ। डेथ में अगेन डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके जितने भी क्वेश्चन हो सके जरूर प्रैक्टिस एक बार करके जाना। और दूसरी चीज, किताब का आखिरी टॉपिक है इसमें सेक्शन 37। ये भी शायद बहुत बच्चों ने छोड़ रखा होता है या नहीं पढ़ते, तो इस पर भी मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इसको जरूर पढ़ लेना, तीन नंबर का क्वेश्चन इस पर अगर आएगा तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं डेथ तक के जो आपको जरूर करने ही करने हैं। अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, आप एसेट्स को बेचते हो, लायबिलिटीज को पे करते हो, वो सब बेसिक चीजें हैं, लेजर अकाउंट बना लेते हो। लेकिन दो चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इनकी जर्नल एंट्रीज को कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस करके हाथ से जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा। और दूसरी चीज थ्योरी, इस चैप्टर की थ्योरी बच्चे पहुंचते पहुंचते छोड़ ही देते हैं, तो वो आप गलती मत करना। हालांकि मैं तो आपको करवाऊंगा ही जब छुट्टियां पड़ेंगी अकाउंट्स वाली, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है एक बार समय मिल रहा है, थोड़ा बहुत इस चैप्टर से थ्योरी जरूर पढ़ना इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपका अगला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो बहुत है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, प्रोराटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना, वो सब बेसिक छोटे कॉन्सेप्ट तो सबको आ जाते हैं। अब उसमें आपको जो ज्यादा प्रैक्टिस करके रखनी है अपने पास, वो ये कि जब प्रोराटा के केस वाले किसी भी आदमी के शेयर्स फोरफीट होते हैं, यानी कि प्रोराटा के कॉन्सेप्ट के साथ साथ शेयर का फोरफीचर का जुड़ जाना, जो ये बड़े क्वेश्चनों में भी होता है, किताब के जो पीछे दे रखे होते हैं लास्ट वाले इंपॉर्टेंट, उन्हें अच्छे से करके जाओ। और उसमें भी तरह तरह की वैरायटी होती है, अगर आपने मेरी सारी वीडियो से पढ़ाई कर रखी है तो आपको पता होगा कि उसमें अलग अलग वैरायटी होती है, एक में बड़ा बदमाश होता है, एक में छोटा बदमाश होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन जरूर करने हैं प्रैक्टिस। या फिर अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने प्रीमियम दे दिया है और फिर उसके शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, तो मतलब आपको हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसका एक बार कवर करना है, फोरफीचर प्लस प्रोराटा। दूसरी चीज, ये तो पक्का तीन या चार नंबर आपके जाएंगे अगर नहीं ढंग से करा, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। और बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल ही हमारे कोर्स में है, तो सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन ही सीखना है, यानी जो मैंने आपको पढ़ाया है वही। इसमें कोई रिजर्व का प्रेजेंटेशन, कोई कैश वैश इन सब का प्रेजेंटेशन नहीं करना, चाहे किताब में दे भी रखा हो तो इग्नोर कर देना, लेकिन शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना है वो अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर की जो दो कैटेगरिया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, वो निकालना, लेस कॉल सिनेरियर, उसके बाद एड शेयर फॉर फीचर, ये पूरा आंसर आएगा नोट्स के अंदर, तो वो चीज आपको अच्छे से इसमें आनी चाहिए। बाकी इशू ऑफ डिबेंचर जो अगला चैप्टर है, इसमें क्योंकि ये 80% तो शेयर जैसे ही चैप्टर है, तो कॉन्सेप्ट तो सारे सिंपल हो गए, वेंडर भी और ये भी और वो भी सब कुछ, लेकिन इसमें इतनी सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं बच्चे प्रैक्टिस कि इसके लेजर को इग्नोर मारते हैं। तो इस चैप्टर में जरूर याद रखना अच्छे से कि आप लेजर के कुछ क्वेश्चंस की एक दो प्रैक्टिस जरूर करना। हो सकता है वो आपसे लॉस ऑन इशू का लेजर अकाउंट बनवा ले, डिस्काउंट ऑन इशू का लेजर अकाउंट बनवा ले, 8% डिबेंचर अकाउंट वो लेजर बनवा ले, तो इसमें आप लेजर पर एक बार फोकस जरूर कर जाना, बाकी तो ओवरऑल पूरा चैप्टर ईजी ही है। अब उसके बाद जो हमारी दूसरी किताब है उसके अंदर तो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें तो आपको पता ही है हमें हेड सब हेड पूछता है आमतौर पे, लेकिन फिर भी उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, आपको हेड दे देता है और कहता है इस हेड के कोई भी तीन एग्जांपल्स बताओ, तो उस समय बच्चे फंस जाते हैं या उस समय बच्चे को एकदम क्लिक नहीं करता कि अरे इसमें क्या बताना है। मान लो उसने पूछ लिया कि भाई अदर करंट एसेट्स के चार एग्जांपल्स बता दो, तो अब बच्चा थोड़ा सा सोच में पड़ जाएगा, अरे क्या लिखना है, नहीं पढ़ा होगा तो, है ना। तो इस तरह से आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है, ट्रिकी क्वेश्चन में आपसे वही पूछ लेगा, तो हर हेड के एग्जांपल्स भी लर्न कर लेना। उल्टा तो हम करते ही हैं क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको इस तरह से भी याद रखना है। अब रेशियोज चैप्टर, रेशियोज में आपको पता है चार अलग अलग वैरायटी के रेशियोज होते हैं, फॉर्मूले आप रट लोगे या फर्रा बना लोगे, उस वहां तक भी टेंशन नहीं है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन आएगा, और उसके एप्लीकेशन कब आते हैं, जब क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये रेशियो बढ़ेगा या घटेगा,
तो मैंने उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई है, या तो उनसे पढ़ो या अपने आप पढ़ो, मतलब उन चार पांच क्वेश्चनों को अच्छे से करके समझ समझ के जरूर एक बार देख जाओ, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि रेशियो बढ़ता घटता जो है वो क्या, मतलब उसका लॉजिक है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकते हैं। और बाकी आपकी किताब में जो मिसलिनियस इलस्ट्रेशन होते हैं, मतलब मिसलिनियस इलस्ट्रेशन का मतलब है जिसमें एक ही क्वेश्चन चार नंबर का है, जिसमें दो तीन मल्टीपल रेशियोज का यूज होगा और आपसे हो सकता है एक आइटम निकलवा ले कि फाइंड करंट एसेट या फाइंड शेयर होल्डर फंड, उसे बोलते हैं। तो वो आप बुक से जरूर प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन होगा, दो तीन रेशियोज उसके अंदर मर्ज होंगे और एक आइटम निकालना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ा चैप्टर है, आपने प्रैक्टिकल के लिए भी पढ़ाई है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम बनाते ही हैं आमतौर पे, लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन किसी इंडिविजुअल एक्टिविटी पर आ जाता है, तो वो थोड़ा आप ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना। ऐसा मत करना कि छोटे क्वेश्चन सारे छोड़ दिए, बस बड़े बड़े प्रैक्टिस कर लिए कि चलो भाई सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना आ गया, तो छोटे में फंस जाओगे। छोटों को जरूर प्रैक्टिस करना, अलग अलग एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एसेट अकाउंट दो केसेस होते हैं, एक में पीएफडी बनता है मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ, और एक में नहीं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट कंफर्म है, वो आएगी ही आएगी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से करनी है, तब आप देखना आपके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। बाकी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो जो मैंने आज डिस्कस करा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, तो उस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, या कुछ भी अपनी तरफ से हेल्प करनी होगी तो डेफिनेटली आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन आप कर रहे होंगे, अब तो इंग्लिश का पेपर भी आपका आने वाला होगा, तो खैर अपने पूरे दिलो जान से अपनी तैयारी में लगे रहना। और मेरी तो यही कामना है, विशेष है आपके लिए कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हों आपके, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सी यू सून।